उज्जैन के रामघाट पर एक ऐसा मंदिर है जो कि तर्पण, पिंडदान और अन्य धार्मिक क्रियाओं का साक्षी बनता है। यहाँ पर साक्षात धर्मराज विराजमान है। धर्मराज का यह मंदिर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तर्पण करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और रामघाट पर स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भगवान श्री राम है वो यहाँ पर उनके पिता दशरथ का पिंडदान करने के लिए आए थे और भगवान धर्मराज उसके साक्षी बने थे। धर्मराज के साथ चित्रगुप्त भी हैं यहाँ पर। और इस मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो लोगों के दुख दर्द में, जो तर्पण में दुख दर्द और पीड़ा को दूर करता है। हमारे साथ मंदिर के पंडित राकेश गुरु जी हैं। गुरु महाराज, क्या इस मंदिर की विशेषता है? ये अति प्राचीन धर्मराज चित्रगुप्त का मंदिर है। जिस मंदिर का पुराण वर्णन स्कंद पुराण अवंतिका खंड शिव शंभु संवाद एवं स्कंद पुराण में इस मंदिर का उल्लेख करा गया है। शास्त्रोक्त रामघाट पर अगर कोई भी पूजन पाठ इत्यादि कर्म किया जाता है उसके पश्चात जब तक इनके दर्शन नहीं किए जाते हैं जब तक यहाँ की यात्रा, यहाँ का पूजन कर्म सब अधूरा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्री रामचंद्र जी ने वनवास के दौरान अपने पिता दशरथ जी का यहाँ पर तर्पण श्राद्ध किया था, उसी के कार्य को देखते हुए यहाँ पर उज्जैन में दूर दूर से श्रद्धालु अपने पूर्वजों का मृत आत्माओं की शांति के मोक्ष के निमित्त पिंडदान तर्पण कर्म करने यहाँ आते हैं और धर्मराज जी के और चित्रगुप्त जी के इस साक्षी में इस कर्म को पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यता के रूप में भगवान धर्मराज चित्रगुप्त जी इस मृत कर्म के पूजन का, जो तर्पण श्राद्ध पिंडदान का यहाँ पर साक्षी देते हैं। सृष्टि की जब प्रारंभता हुई थी, जब भगवान चित्रगुप्त जी का यहाँ पर ब्रह्मा जी के काया से जन्म हुआ था, जब भगवान ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष शिप्रा तट पर बैठकर तपस्या करी थी जिसका आपको मत्स्य पुराण शिव शंभु संवाद में उल्लेख मिलेगा, उसके पश्चात भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी काया से चित्रगुप्त जी को यहाँ पे इसी स्थान पर जन्म दिया था और चित्रगुप्त जी को धर्माधिकारी के रूप में धर्म, पुण्य, पाप सब कुछ के लेखा जोखा की धर्म पुस्तिका दी थी। उसके अंतर्गत चित्रगुप्त जी यहाँ पर लेखा जोखा के रूप में विद्यमान हैं। कोई भी शारीरिक रूप से कष्टप्रद है, जिसको कोई प्रकार का रोग हो गया है, जिसकी आप मुक्ति चाह रहे हैं या स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, डॉक्टर भी अगर उस विषय को लेके कहते हैं कि अब इसका विषय जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, तो इस मंदिर पे उस व्यक्ति के निमित्त घी और तेल का अगर दीपक लगा दिया जाए तो 48 घंटे में या तो वो व्यक्ति जो अस्वस्थ है या तो वो स्वस्थ होना चालू हो जाता है या 48 घंटे में वो मोक्ष होकर भगवान यमराज और धर्मराज जी के चरणों में अपने मोक्ष के स्थान की प्राप्ति कर लेता है। पंडित जी, और क्या इस मंदिर के जो साक्षी है, कितने लोग आते हैं यहाँ पे और क्या दर्शन करते हैं, किस प्रकार की यहाँ की किद्वंती है? प्रतिदिन यहाँ पे काफ़ी हजारों की संख्या में जो नियमित दर्शनार्थी जो उज्जैन के हैं वो तो यहाँ आते ही हैं, लेकिन जो धर्म को, शास्त्र को, पुराण को समझते हैं, जो इस कर्म को समझते हैं, वो प्रतिदिन बाबा के महाकाल के यात्रा के पश्चात धर्मराज, यमराज, चित्रगुप्त जी के यहाँ दर्शन करते हैं। शास्त्र के अंदर जो है ऐसी मान्यता बताई गई है कि उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी मानी गई है। यहाँ पर महाकालेश्वर के दर्शन के पश्चात जो है काल भैरव का दर्शन करने का महत्व बताया है, क्योंकि काल भैरव महाकाल राजा के सेनापति हैं और ये चित्रगुप्त भगवान का जो मंदिर है ये भगवान शिव स्वयं महाकाल के भाई कहलाते हैं, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी की काया से चित्रगुप्त जी उत्पन्न हुए थे और ब्रह्मा जी के क्रोध से लावा जो निकला था नेत्रों से उससे भगवान रुद्र की उत्पत्ति हुई थी। तो हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार अगर कोई भी चीज़ एक ही जगह से उत्पन्न होती है तो वो भाई बहन के रूप में कहलाती है। तो महाकाल के दर्शन के पश्चात अगर कोई भी भक्तगण श्रद्धालु अगर यहाँ दर्शन करता है तो उनकी महाकालेश्वर के साथ साथ की यात्रा यहाँ पूर्ण भी होती है और उसके कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसारिक दोष निवारण होते हैं। उसके द्वारा कई प्रकार का जो पाप किया जाता है उससे मोक्ष की मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये धर्मराज का मंदिर है जहाँ पर दर्शन करने से रोग पीड़ा की मुक्ति मिलती है, साथ ही मोक्ष भी प्राप्त होता है और अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।